नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर वसई विरार महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ दिनों में जारी किए गए अलग अलग प्रेस नोट को लेकर है। दरअसल मानसून शुरू हो चुका है, मानसून की पहली बारिश पिछले दिनों हो भी गई है और मानसून में कहीं ना कहीं ज्यादा तैयारियां करने की आवश्यकता होती है प्रशासन को और पब्लिक को भी। हम सामान्य लोगों को भी मानसून में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इसी परिस्थिति को लेकर वसई विरार महानगर पालिका ने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग प्रेस नोट जारी किए हैं। उन प्रेस नोट की चर्चा मैं आज कर रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं आज जो प्रेस नोट जारी हुआ 13 जून को। इस प्रेस नोट में वसई विरार महानगर पालिका ने आह्वान किया है कि अगर बारिश में कहीं पानी भर जाए तो क्या करना है, किन लोगों से संपर्क करना है, उसकी पूरी जानकारी इस प्रेस नोट में दी गई है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें वसई विरार महानगर पालिका की प्रभाग समिति ए से लेकर प्रभाग समिति आई तक सभी 9 प्रभाग में किन किन अधिकारियों की नियुक्ति मानसून के लिए आपत्ति व्यवस्थापन हेतु की गई है, उसकी जानकारी पूरी दी गई है। ये पूरी जानकारी मराठी में है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, वहां से ये जानकारी काफी अहम है। अगर इस मानसून आपके आसपास कहीं ऐसी परिस्थिति होती है कि जहां पानी जमा होता है, तो सबसे पहले हमें महानगर पालिका इंजीनियर की जरूरत होती है, तो उनको इन्फॉर्म किया जाए। फिर स्वच्छता निरीक्षक है, उनका भी वहां रोल है। एक रोल अग्निशमन कर्मचारी है, उनका भी एक रोल होता है। तो ऐसे प्रति प्रभाग 4 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, उनकी जानकारी इस पूरी प्रेस नोट में है। इस प्रेस नोट को आप गौर से देखिए और वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये पूरी मराठी में जानकारी आपको मिलेगी। तो ये हम बात कर रहे थे आज जो प्रेस नोट निकला उसके बारे में। अब बात करते हैं, इससे पहले प्रेस नोट जारी हुआ था 10 तारीख को एक प्रेस नोट जारी हुआ था। उस प्रेस नोट में गटर्स के ऊपर ढक्कन को लेकर वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जितने भी गटर है उनके ऊपर ढक्कन लगाने का कार्य महानगर पालिका ने बोला है कि पूरा पूर्ण हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखता है कि कोई गटर ऐसी है जहां ढक्कन नहीं है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन नंबरों पर आप फोटो खींचकर उस क्षेत्र का फोटो लेकर उस नंबर पर सेंड कीजिए और कंप्लेन कीजिए, महानगर पालिका वहां गटर पर ढक्कन बिठाने की व्यवस्था करेगी। इसी कड़ी में इससे और थोड़ा पीछे जाए, 6 तारीख को महानगर पालिका ने एक अहम प्रेस नोट जारी किया था। 6 जून को जो प्रेस नोट जारी किया था वो था नाले सफाई को लेकर। वसई विरार महानगर पालिका में पानी भरने का सबसे बड़ा कारण बरसाती नाले प्राकृतिक नाले जो है उनमें अवरोध आना है। तो इस अवरोध को लेकर वसई विरार महानगर पालिका ने 6 तारीख को एक प्रेस नोट जारी किया था। उसमें महानगर पालिका ने यह दावा किया कि 90% तक नाले सफाई हो चुके हैं, उसके बावजूद भी किसी को ऐसा लगता है कि नालों की सफाई में कहीं कमी रह गई या कहीं पे फिर से नालों में अवरोध हो गया, तो उसकी वो शिकायत वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में या संबंधित अधिकारियों को करें, उस पर कार्यवाही करते हुए महानगर पालिका कोशिश करेगी कि उन नालों में से अवरोध हटाया जाए और पानी वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में इस मौसम बरसात में कम से कम भरे। तो ये 3 प्रेस नोट की हम बात कर रहे हैं। ये तीनों प्रेस नोट अपने आप में काफी अहमियत रखते हैं और इस मानसून में महानगर पालिका काम है, महानगर पालिका अपना का काम करेगी, लेकिन जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा खुद का ये फर्ज है कि इन जानकारियों को हम खुद बराबर से देखें,
समझें और जितना हो सके लोगों में जागरूकता फैलाए, लोगों को इन लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाए, ताकि ऐसी परिस्थिति आने पर उन लोगों को सहायता मिल सके, कोई मुश्किल में हो तो उसको सहायता मिले और किसी को किसी तरह की तकलीफ पेश नहीं आए। तो एक बार फिर से आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये अहम जानकारियां हैं, ये आने वाले दिनों में, इस बारिश में आने वाले दिनों में काफी काम आने वाली है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।